अरे वाह, ये देखे नीचे भी काफी फूल भी खिले हैं। एक गुच्छा है, इसमें से टमाटर भी बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हाल चाल है? मेरा खुशबाश होंगे, फिट फाट होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। आज मैं अपडेट देने वाला हूँ अपने टमाटरों के पौधों की, और ये मेरी चौथी अपडेट होगी। और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इनको कलियाँ भी लगना शुरू हो गई हैं। माशाल्लाह इनकी हाइट देखें, तकरीबन 4 फीट से भी ज़्यादा हो गई है। अब आप ऊपर देख रहे होंगे, ये छोटी छोटी कलियाँ भी लग रही हैं। उम्मीद है जैसे ही ये बाहर का मौसम आ रहा है, इनमें से लाजमी फ्रूट भी बनेगा। और ये जो दूसरा मैंने ये जो प्लास्टिक बैग में लगाया था, इसकी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, और इसको भी तकरीबन ये छोटी छोटी कलियाँ लग रही हैं, जो फ्यूचर में उम्मीद है कि इनमें से टमाटर बनेंगे। और व्यूअर्स नीचे भी देखते हैं कि उम्मीद है नीचे भी कुछ ना कुछ कलियाँ लगी होंगी। अरे वाह, ये देखें नीचे भी काफ़ी फूल भी खिले हैं, और उम्मीद है ये एक गुच्छा है, इसमें से टमाटर भी बनेंगे। ये देखें काफ़ी ज़्यादा फूल खिले हैं, और जैसे ही बाहर का भी मौसम आ रहा है, और उम्मीद है इसमें से भी टमाटर बनेंगे। काफ़ी कलियां लग रही हैं, और फूल भी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता खिल जाएंगे, और इनमें से टमाटर भी बनेंगे। बस 3 पौधे थे, एक ये 12 इंच की ग्रो बैग में लगा हुआ था, एक ये प्लास्टिक पॉट में है जिसको हम अपनी देसी जबान में तोड़ा भी कहते हैं, और एक ये मिट्टी का पॉट है। ये तकरीबन 8 इंच का होगा। सबसे कम ग्रोथ इस मिट्टी वाले पॉट में है, इसमें तकरीबन 2 से 2.5 फीट इसकी हाइट होगी, और इसको भी कलियां लग रही हैं। आप क्रीज से दिखा देता हूं मैं आपको, ये देखिए इसमें फूल खिले हैं, और आइंदा मुस्तकबिल में फ्रूट भी लगेगा। और जो सबसे अच्छी हाइट है, ये ग्रो बैग है 10 इंच का, आप देख रहे होंगे इसमें तकरीबन 4 फीट तक इसकी हाइट है, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है मुझे ग्रो बैग में। और इसको कलियां भी ज़्यादा लग रही हैं, ये ऊपर भी कलियां लगी हैं, ये उससे ऊपर भी कलियां लग रही हैं, और ये नीचे जो मैंने फूल अभी दिखाए हैं, ये देखें ये भी लगे हुए हैं। और इसके अलावा जो मैंने प्लास्टिक बैग में लगाया था, जिसको हम अपनी देसी ज़बान में तोड़ा कहते हैं, इसको भी इसका भी रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। ये देखें इसको भी कलियां लग रही हैं, और फ्यूचर में ये फूल खिलेंगे, और फूल खिलने के बाद इसमें से टमाटर निकलेंगे। तो व्यूअर्स जैसे ही टमाटर बनना शुरू हो जाएंगे, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।